देश के कई हिस्सों में मार्च के महीने में ही ऐसी गर्मी पड़ी है कि 122 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। जब से मौसम विभाग ने ये आंकड़ा रखना शुरू किया है कि उसके बाद से ऐसा पहली बार है जब मार्च का महीना इतना गर्म हो रहा है। मौसम के इस बदलाव को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं और लोग अब से ही ये कयास लगा रहे हैं कि अगले 3 महीने में क्या होगा। साथ ही मौसम में एक के बाद एक कई बदलाव आखिर किस बात के संकेत हैं, इसको लेकर मौसम विभाग और कुछ स्टडी रिपोर्ट भी सामने आई हैं। कहीं ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से तो नहीं हो रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जिनामणि ने दिए हैं। मार्च के महीने में इतनी गर्मी के पीछे क्या कारण है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जिनामणि का कहना है कि भारत में तापमान का रिकॉर्ड वर्ष 1901 में रखा जाना शुरू हुआ था। साल 2022 के मार्च महीने के तापमान ने वर्ष 2010 के मार्च में दर्ज औसत अधिकतम तापमान के सर्वकालिक औसत को पार कर लिया है। 2010 के मार्च में अधिकतम तापमान का औसत 33.09 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन मार्च 2022 में औसत तापमान 33.1 डिग्री दर्ज किया गया। भारत ही नहीं दुनिया में भी पिछले 2 दशक से सबसे गर्म साल देखने को मिले हैं। जलवायु परिवर्तन का असर मौसम की तीव्रता पर पड़ रहा है। भारत में भी भीषण बाढ़, चक्रवात या भारी बारिश के रूप में देखने को मिला है। इसमें उत्तर में पश्चिमी विक्षोभ व दक्षिण में किसी व्यापक मौसमी तंत्र के नहीं बनने के कारण वर्षा की कमी का प्रभाव भी एक कारण है। पिछले कुछ सालों में ऐसे दिन ज्यादा रहे हैं जब बारिश हुई ही नहीं, कुछ मामलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई और गर्मी भी बढ़ती गई। आने वाले वक्त में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर और मध्य भारत में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय में बारिश होने की संभावना है। 6 अप्रैल को दक्षिणी अंडमान सागर एवं आसपास के इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती प्रभाव के कारण दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।